जिला कांगड़ा में दो भाइयों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जी हां, यहां देहरा के साथ लगती व्यास नदी में अपने निजी गाड़ी के साथ डूब रहे ज्वालामुखी के एसडीएम मनोज ठाकुर को दो भाइयों ने बचा लिया। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर एसडीएम को बचाया। बताया जा रहा है कि एसडीएम मनोज ठाकुर खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जानकारी के अनुसार जब व्यास नदी के किनारे मार्ग में एसडीएम मनोज ठाकुर अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे तो अचानक व्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया और उनकी गाड़ी तेज पानी के बहाव में आ गई। घलोटा पंचायत के रहने वाले दो भाइयों एसएस चौधरी व अमन कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एसडीएम को तत्काल पानी से बाहर निकाल लिया, जबकि उनकी गाड़ी पानी में बहती चली गई। गहलिया पंचायत के युवक अनिल चौधरी ने ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी को बाहर निकाला। इस बहादुरी की हर जगह खूब प्रशंसा हो रही है। आपका नाम? नाम अनिल कुमार है। गाड़ी फंसी थी एसडीएम की, ज्वालामुखी एसडीएम की, मनोज कुमार की, और मैं यहाँ से देखा था। फिर मैं गया वहाँ, अपने मालिक का ट्रैक्टर लाया उधर से, दो चैन लाया और हमने पानी में ट्रैक्टर डाला और उनकी गाड़ी को पानी लोगों ने और हमने बाहर निकाला गाड़ी। एसडीएम भी उस गाड़ी में फंसे थे? हाँ, एसडीएम गाड़ी में फंसे थे, स्थानीय लोगों ने उनको निकाला था बाहर। ये कब की घटना है? ये 10:30 बजे की। ये पानी कहाँ से आया इतने किलोमीटर? ये पानी तो वहाँ तक आ गया था ना। कहाँ से आया पानी? ये पानी व्यास नदी।